हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं अपने हेयर रिजल्ट के बारे में एंड प्राइस के बारे में डिटेल में बात किया हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, चैनल में आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर से कर लेना। तो गाइस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूरा इससे आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का आज है कुछ 13वां दिन, मतलब मैं कराया था 16 जुलाई 2022 को और आज है 29 जुलाई 2022। तो ये आज मेरा हो गया कंप्लीट 13 दिन। और गाइस आज का रिजल्ट आप देख सकते हो क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, हमारा जो पुराना वीडियो है ना, जो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले गया था, वो वाला वीडियो को देखो, इससे आप लोगों को समझ आएगा कि इसमें हेयरलाइन मेरा कैसा था और कैसा मैं दिखता था। पहले उसको वीडियो को देखो, फिर समझ में आएगा कि कितना रिजल्ट आया और नहीं आया। ऐसे मैं तो आप लोगों को कहूंगा भाई अच्छा रिजल्ट आया, तो समझ में नहीं आएगा, पहले पुराना वीडियो देखो। सिर्फ आज के लिए ये बाल है, उसके बाद कल से ट्रांसप्लांट होगा, इस बाल को देखने को नहीं मिलेगा गाइस। क्या बोलूं इसका क्या करना पड़ेगा जुगाड़, कल डॉक्टर ही करेगा इसका जुगाड़, पानी तेल मलहम पट्टी जो भी लगाएगा यहाँ निकाल करके, और बैक साइड का देख सकते हैं यहीं पर से रूप निकालेंगे और सामने की तरफ लगाएंगे। समझ सकते हैं ना जो रिजल्ट है, हर एक जगह पर पैसा मैटर नहीं करता यार। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई कितना आपका हेयर ट्रांसप्लांट पर पैसा लगा करके, बट आप पहले रिजल्ट देख लो क्या है कैसा है। ये रहा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट, देख लो जो भी है। और गाइस अपना डोनर एरिया दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें दिखेगा नहीं दिखेगा यार, ऐसे ऐसे कुछ करता हूँ, अब पता नहीं दिखा या नहीं दिखा मेरे को नहीं पता यार। घुमाता हूँ कैमरा यार इस तरह से पैक करके, ऐसा दिखा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है गाइस मेरे को नहीं पता, बट देखो ये अपना पीछे का डोनर एरिया है और ये है अपना फ्रंट एरिया। तो गाइस मेरे को कुछ लोगों को बताऊं या क्या बताऊं समझ नहीं आ रहा है, लोगों को बहुत लोगों को प्राइस ज्यादा लगेगा। देखो यार गाइस, वो लोग सर से बात किया तो वो बोले को मेरे को बोले कि 2000 ग्राफ का हम लोग लेते हैं 30,000 से 35,000 बोले थे, कितना का, सिर्फ 2000 ग्राफ का। और मेरा जो डेंसिटी, मैं अच्छा अपना डेंसिटी घना लगाया हूँ, इस कारण से मेरे को सर ने बोला आपका 3000 ग्राफ लग जाएगा। तो फिर मैं 3000 ग्राफ के लिए बोला तो बोले ठीक है, मैं बोला कर दो क्या है उसमें क्या जाता है, तो सर बोले कि आपका लगेगा 60,000 रुपये लगेगा, ऐसा बोला सबसे स्टार्टिंग में ही बोला था। फिर उसके बाद 7 से 8 दिन गाइस मैं वेट किया, सर से बात करता रहा, मतलब मैम उसके रहते हैं जो कि हेल्पर वगैरह रहते हैं असिस्टेंट वगैरह, वो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करते रहते हैं, तो उनसे कांटेक्ट करता रहा। उसके बाद फिर मैम बोली, फिर एक दिन कि अब एक हफ्ता बाद बोली कि आपका 50,000 से आप बहुत सर से बात करके आपका कंप्लीट करा देता हूँ आप बोलोगे तो, ऐसे बोला। तो फिर मैं बोला मैम से, नहीं मैम उतना बहुत ज़्यादा प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे बोला। फिर उसके बाद गाइस फिर एक हफ्ता बात किया ऐसे ही, मतलब 3-4 दिन बाद फिर से कॉन्टैक्ट किया, तो मैम से बोला मैम मेरा उतना बजट नहीं है तो मैं कहाँ से करा पाऊँगा, उतना भी 50,000 भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे बोला। तो फिर उसके बाद फिर एक दिन हुआ तो फिर बोले, तो सर से बात किए तो बोले सर इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, ऐसे बोला। तो फिर मैं बोला सर को कि सर मैं एक यूट्यूबर हूँ और हो सकता है कि मेरा वीडियो देखकर आपके क्लिनिक पर और भी लोग विजिट करें, तो हो सकता है मेरा प्राइस थोड़ा कम कीजिए सर, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा बजट पर नहीं करा पाऊँगा, मेरा उतना बजट नहीं है। तो फिर सर से बात किए तो बताएं कि मेरे बारे में कि वो यूट्यूबर है सर, तो फिर उसका कुछ डिस्काउंट वगैरह कर दीजिए ऐसे करके, तब जाकर गाइस मेरा 5,000 और कम किया, तब जाकर मेरा कंप्लीट हुआ 45,000 में। मतलब सिर्फ बात डन हुआ था कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो बैक से निकालते ना डोनर एरिया, तो यहाँ से निकाल कर सामने में लगाने के लिए सिर्फ बात हुआ 45,000 रुपये में। उसके बाद गाइस मैं उसके गया क्लिनिक पर गया हेयर ट्रांसप्लांट किए। उसके बाद फिर गाइस फिर बोले सर कि आप 46,000 दीजिए करके, आप सोचिए 46,000 बोलिए। तो फिर मैं बोला सर से क्या सर क्या का 46,000, तो 45,000 में बात हुआ करके। तो सर बोले कि नहीं यार वैसा नहीं है, अपना ले रहे 45,000 ही ले रहे हैं आपसे, जो भी है मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ पेमेंट। तो उसके बाद फिर बोला कि 1,000 रुपये और किसका बोला, तो फिर बोला ये मेडिसिन का, तो कौन सा मेडिसिन बोला, तो जो स्प्रे करने के लिए देते ना गाइस, स्प्रे करने के लिए था और 3-4 ऐसे मेडिसिन वगैरह दिए थे जिसको मैं टाइम टू टाइम ले रहा था एक हफ्ते के लिए, तो उसका 1,000 रुपये और लिया था, मतलब 46,000 रुपये उसमें लिए। उसके बाद गाइस उसके बाद फिर मेरे को फिर मेडिसिन मतलब लेना पड़ता है, या फिर 3 मंथ ये बोलो या फिर 6 मंथ, तो अभी गाइस मैं लाया हूँ 3 मंथ का मेडिसिन और, तो मेरा बिल बन गया फिर से 9,200 रुपये। वो 46,000 अलग था, फिर 9,200 रुपये का बिल अलग बना है अभी 3 मंथ का। अभी उतना ही मेरे को मेडिसिन एक बार और लेना पड़ेगा, मतलब 3 मंथ के लिए और लेना पड़ेगा,
तो ये अपना पड़ जाएगा गाइस 6 मंथ, तो अपना काउंट करके देख लो कितना हो रहा यार। तो ये अपना 46,000 इधर था और 9,000 इधर है, और अभी 9,000 और लगने वाला है, मतलब 9,500 पकड़ लो। तो 9,500 कितना हो गया आप लोग काउंट कर लेना, तो वही अपना 20,000 पकड़ लो, लमसम 1,000 रुपये कम कर देना, तो 20,000 ऐसे हो गया और 46,000 रुपये इतना हो गया। तो काउंट कर लो आप लोगों कितना पैसा हो रहा है। और हाँ गाइस, इसको भी काउंट कर लो कि जैसे कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से रायपुर क्लिनिक जाना ही पड़ेगा, तभी तो हेयर ट्रांसप्लांट होगा, तो वहाँ पर जाने के लिए जो भी खर्चा रहेगा उसको भी काउंट कर लेना। और जैसे कि गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि आपने एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा दिए उसके बाद सोचोगे कि अब मेरे को खर्चा करना नहीं पड़ेगा, तो ये आपका बहुत बड़ा भूल है गाइस। इसको आपको मेंटेनेंस करने के लिए हर मंथ आपको मेनोक्सिडिल लगाना ही पड़ेगा। ये आपको मिलेगा 800 से 1200 के बीच में, अच्छा से अच्छा जो भी प्रोडक्ट रहता है आप लोगों को डॉक्टर देंगे रिक्वायरमेंट करके, तो आप लोगों को उसी को बार बार लगाना पड़ेगा अपने जहाँ जहाँ पास बाल झड़ चुका है, वहाँ पर जहाँ पास ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया है इसी पर आपको उसको लगाना पड़ता है। तो ये गाइस अपना वही अपना 800 से 1200 के बीच में आता है, तो अपना इसको भी थोड़ा काउंट कर लेना क्योंकि हर मंथ ये लगना ही लगना है। और अपना 6 मंथ वो लगेगा, तो आपको उससे पहले वीडियो में बता दिया हूँ, पहले वीडियो बोलता है इसी वीडियो में बता दिया हूँ कि इतना मेरा अभी 3 मंथ का अपना 9,500 पड़ा था, उसके बाद फिर 3 मंथ का फिर कैलकुलेशन आप लोग तो कर ही लिए होंगे। तो अपना जो भी था प्राइस वगैरह जो भी लगा था वो आप लोगों को दिखा दिया, और अपना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी देख लो यार, बेटर लग रहा है मेरे को तो। जब मेरा यार गाइस ये 13 दिन में इतना अच्छा जब निकल गया है, तो अब सोच लो अभी इसका सेटिंग पॉइंट भी आएगा, मतलब ये झड़ेगा उसके बाद फिर से निकलेगा ये बाल, मतलब 100% पूरा निकलेगा। तो ये तो अभी मेरा रिजल्ट अभी ठीक लग रहा है, अब देखो निकलने के बाद क्या होता है। ये अपना 13 दिन का रिजल्ट है आप लोगों के सामने, जो भी है देख लो, मेरे को तो बेटर लग रहा है। और चलेगा, इस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।